हेलो 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 जी, बहुत ही प्यारी महफिल है और ये प्रोग्राम माँ के नाम से रखा गया है। आप तेजी से छा जाए तो बेहतर ये है कि माँ के नाम से ही शुरू किया जाए तो बेहतर है। या बात है। वाह 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 वाह। चार मिसरे आपकी समातों की दहलीज तक। वाह क्या बात है। कि महफिल में मेरा जो हुनर बोल रहा है, महफिल में मेरा जो हुनर बोल रहा है, महफिल में मेरा जो हुनर बोल रहा है, ये माँ की दुआओं का असर बोल रहा है। क्या बात है। ये माँ की दुआओं का असर बोल रहा है और जन्नत का नजारा है मेरे घर में ऐसा हिल, जिंदा है मेरी माँ मेरा घर बोल रहा है। क्या कहा, क्या कहा। जिंदा है मेरी माँ मेरा घर बोल रहा है, मेरा घर बोल रहा है। क्या बात। और वतन के हवाले से चार मिसरे जी स्वागत कि आज के इस दौर में तुम एकता पैदा करो। वाह मैसेज है ये कि आज के इस दौर में तुम एकता पैदा करो, पत्थरों को कट कर रास्ता पैदा करो। आज के इस दौर में तुम एकता पैदा करो, पत्थरों को कट कर रास्ता पैदा करो। हम वतन के वास्ते जान देने को है तैयार, आओ मेरे साथ तुम भी हौसला पैदा करो। आओ मेरे साथ तुम भी हौसला पैदा करो। चार मिसरे और स्वागत है। चार मिसरे और कि वो रहनुमा हूँ कि हर एक कारवां पुकारेगा। वो रहनुमा हूँ हर कारवां कि हर कारवां पुकारेगा। जमीन पुकारेगी और आसमां पुकारेगा। वाह। जमीन पुकारेगी और आसमां पुकारेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वो रहनुमा हूँ कि हर कारवां पुकारेगा, जमीन पुकारेगी और आसमां पुकारेगा। यकीन आए तो दिल चीर कर मेरा देखो, लहू का कतरा भी हिंदुस्तान पुकारेगा। क्या कहा। लहू का कतरा भी हिंदुस्तान पुकारेगा। एक जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। अजय सिंह भैया की थोड़ी फरमाइश पूरी कर दे आखिरी। हाँ, वो समझ रहे हैं बिल्कुल एकदम कस के आया है कि उतने पढ़ना है। कुछ जो है हमने कोशिश की, बिहारी लाल अंबर जी और मोहतरमा प्यूनम श्रीवास्तवा जी ने कुछ नाम दिए, हमने उस पे रकम करने की कुछ कोशिश की है। अगर कोई गलतियां हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पिटारा होता है और जो इंसान से गलती ना हो वो इंसान ही नहीं है। जी जी जी। क्योंकि शैतान से कभी गलती नहीं होती, क्योंकि उसको गलती करने के लिए ही बनाया गया है। जी जी जी। अब तू कुछ ज्यादा करत है हमने। मिसरे में यूं कहा गया है कि माँ श्याम कुमारी की अजमत का कैसे करें गुणगान। माँ श्याम कुमारी की अजमत का कैसे करें गुणगान, उनकी दुआएं पाकर संजय अजय हुए धनवान। क्या बात। दो ही मिसरों में यहाँ से आई। उनकी दुआएं पाकर संजय अजय हुए धनवान और बच्चों को आगोश में लेकर झूला झूलाया करती थी। बच्चों को आगोश में लेकर झूला झूलाया करती थी। भूखी प्यासी रहकर इनको खाना खिलाया करती थी। भूखी प्यासी रहकर इनको खाना खिलाया करती थी। श्याम कुमारी का है अपने बच्चों पर एहसान। श्याम कुमारी का है अपने बच्चों पर एहसान। उनकी दुआएं पाकर संजय अजय हुए धनवान और उनकी अजमत का हम कैसे भला करें गुणगान। शिव पूजन की पत्नी बनकर उनका बीता जीवन है। शिव पूजन की पत्नी बनकर उनका बीता जीवन है। बेटे हैं शैलेश जी उनके जिन पे निछावर तनमन है। बेटे हैं शैलेश जी उनके जिन पे निछावर तनमन है और जिनकी ममता की छाओ में बने ये काबिल इंसान। जिनकी ममता की छाओ में बने हैं ये एक काबिल इंसान। उनकी अजमत का हम कैसे भला करें गुणगान। उनकी अजमत का कैसे भला हम करें गुणगान।
गुणगान, और उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बच्चों को तालीम भी दी। एक सच्ची तस्वीर हमने निकालने की कोशिश की कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बच्चों को तालीम भी दी, नाजो अदा सब उनका उठाया, हर मांगे तस्लीम भी की। नाजो अदा सब इनका उठाया, हर मांगे तस्लीम भी की। सारा जीवन इन पे लुटाया, करती रही मुस्कान, करती रही मुस्कान, श्याम कुमारी की अजमत का कैसे करें गुणगान। और उनके बेटे, उनके बेटों ने उनका सम्मान बढ़ाया है जग में। एक अभी अभी हम जब यहाँ पे आए तो माँ श्याम कुमारी के नाम से ये कॉलेज देखा तो एक मिसरे जहन में और आगे हमने उसको और बढ़ाने की कोशिश कर दी। कैसे कि उनके बेटों ने उनका सम्मान बढ़ाया है जग में, कॉलेज और स्कूल बनाकर मान बढ़ाया है जग में, कॉलेज और स्कूल बनाकर मान बढ़ाया है जग में। लायक बेटे होने की दी दुनिया को पहचान, लायक बेटे होने की दी दुनिया को पहचान। श्याम कुमारी की अजमत का कैसे करें गुणगान, श्याम कुमारी की अजमत का। और एक तस्वीर ये कि माँ के बिना घर आंगन बिल्कुल लगता है सूना सूना, माँ के बिना घर आंगन बिल्कुल लगता है सूना सूना, उनकी यादों से रोशन है घर का मेरे कोना कोना, उनकी यादों से रोशन है घर का मेरे कोना कोना। माँ होती है, माँ होती है घर में जैसे जैसे हो भगवान, माँ होती है घर में ऐसे जैसे हो भगवान। श्याम कुमारी की अजमत का कैसे करें गुणगान, कैसे करें गुणगान, उनकी दुआएं पाकर संजय अजय हुए धनवान। एक जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। और एक नज्म हमने कुछ दिन पहले लिखी थी जब हमारे वतन के 42 जांबाज शहीद हुए, तो दिल ने ये पुकारा कि हमारे वतन की माँ क्या कह रही है। और हमारी तस्वीर कर अगर अच्छी हो और सच्ची हो तो दुआओं का ताली भी ये नाचीज। अंबर भाई शायद पहली बार तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। मैं क्या बताऊं क्या क्या हमारा चला गया, हमारा चला गया। मैं क्या बताऊं क्या क्या हमारा चला गया, हमारा चला गया। बस इतना जान लीजिए, बस इतना जान लीजिए, सहारा चला गया, सहारा चला गया, सहारा चला गया। और ये शेर बतौर खास के तूफान की जद में आज भी है कसती ये वतन, है कसती ये वतन। ये आखिरी रहेगा। तूफान की जद में आज भी है कसती ये वतन, है कसती ये वतन। तूफान की जद में आज भी है कसती ये वतन, है कसती ये वतन। जो ना खुदा था उसका, जो ना खुदा था उसका, वो प्यारा चला गया,
वो प्यारा चला गया। और जिसके लिए मैंने ये शेर लिखा, ये गजल लिखने की जुर्रत की, हिम्मत की, वो शेर आपकी समातों की तहलीज तक यही आखिरी में पढ़ के निकल लेना है। और आखिरी शेर, फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, कि कहती है चीख चीख कर, कहती है चीख चीख कर, ये मादर वतन, ये मादर वतन, कहती है चीख चीख कर, ये मादर वतन, ये मादर वतन, सरहद पे मेरा राज दुलारा चला गया, दुलारा चला गया।